तो जहाँ से मैंने व्लॉग कल एंड करा था वहीं से स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे मैं एक दिन के पहले के कपड़े धुले हुए जो है उसका पानी निकल चुका है, तो उसको बस मैं डाल दूँगी रस्सियों पे। और उसके बाद फिर मीशू को नहलाना है और रियांश को नहलाना है। तो रियांश को मैं नहलाने गई थी, तो रियांश नखरे दिखाता है, वो सर्दी में उसको पता नहीं क्या हो जाता है, बहुत नखरे दिखाता है नहाने में। और गर्मी में तो तीन तीन चार चार बार नहाता है, अगर हम रात को 11 बजे नहाए तो 11 बजे नहाएगा, उसका ऐसा सीन। और सर्दियों में तो कपड़े इतने होते हैं पूछिए मत। तो बस सारे कपड़े डाल दिए हैं मैंने, यहाँ पे मीशू को लेके आ गई हूँ। और ये जो टप है ना, ये रियांश के टाइम का ही टप है, तो जब रियांश हुआ था तो मेरा भाई जहाँ काम करता था ना, उन दीदी ने दिया था, जब उन्होंने बुलाया था मिलने के लिए तब गए थे, तो उन्होंने दिया था। तो ये टप उसी टाइम का काम आ रहा है। रियांश तो बिल्कुल भी नहीं इसके अंदर लेटता था, बहुत डरता था, तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ था, तो अभी यूज़ हो रहा है। आप देख सकते हो टैग भी लगा हुआ है अभी तक। तो यहाँ पे मैं नहा चुकी हूँ और मीशू को नहला रही हूँ। मैं रियांश को नहलाने गई थी बट रियांश रोने लग गया था तो उसको छोड़ दिया फिर, और अभी तक उसने कपड़े भी नहीं पहने हैं, ऐसे ही है। तो मैं सोच रही पहले इसको नहला देती हूँ, गर्म पानी है तो मैं उसको भी नहला ही दूँगी साथ में। तो मैं अभी भी सर्दी में एक दिन दो दिन छोड़ के ही नहलाती हूँ दोनों बच्चों को, क्योंकि आपको बताया था मायके से आने के बाद थोड़ा सा ना सर्दी जुकाम हो ही गया था हम लोगों को, तो थोड़ा सा केयरफुल रहते हैं। तो यहाँ पे मीशू को बस मैं ही बॉडी वॉश लगा रही हूँ और गर्म पानी ही लिया है, ज़्यादा ठंडा भी पानी नहीं है। तो बस मीशू को नहला दूँगी और उसके बाद मीशू को फटाफट से, मतलब 2 से 5 मिनट लगाती हूँ नहलाने में, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ, अभी थोड़ी सी हवा, अभी सर्दी गई नहीं है, तो फटाफट से ले आई हूँ। और मैं बॉडी वॉश और कुछ नहीं लगाती तेल वेल, और डायरेक्ट मैं कपड़े डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी भी डायपर 24 घंटे ही पहना के रखती हूँ, क्योंकि अभी सर्दी में बहुत दिक्कत होती है, बच्चे बहुत ज़्यादा सूसु पोटी करते हैं, तो इसलिए मैं सर्दी में पहना के रखती हूँ। गर्मी में मैं रात रात में पहनाऊँगी, दिन में नहीं पहनाऊँगी। तो अभी मैंने मीशू को कपड़े पहना दिए हैं सारे, और थोड़ा सा क्रीम लगा दूँगी चेहरे पे, क्योंकि विंटर है, थोड़ा स्किन ड्राई ड्राई हो जाती है, तो क्रीम लगाने से थोड़ा सा मॉइस्चराइज रहेगा स्किन। तो बस मैं इसके चेहरे पर लगा दूँगी, और ये कैमरा देख के काफ़ी इंजॉय करती है। तो आप देख सकते हो साइड में मैंने उसको लिटा दिया है तैयार करके। उसके बाद यहाँ पर रियांश को ज़बरदस्ती नहलाया है, तो यहाँ होता है ना जब बच्चे नहा ले या खाना खा ले तो माँ को ऐसा लगता है कि जैसे आधा से ज़्यादा काम हो चुका है, 80% काम हमने कर लिया है। तो बस ये दोनों नहा चुके हैं, तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैंने सारा ही काम कर लिया हो, मैं सारा काम हो चुका है, बट हुआ नहीं था कुछ काम, बस किचन किचन हुआ था, अभी सारा काम रह गया। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज है date 6, तो 6 फरवरी है, और बस मॉर्निंग के 8:30 बज रहे होंगे, और आज बहुत लेट हो गया क्योंकि मीशू रात को काफ़ी लेट सोई थी। तो अभी मैंने रात को दाल मखनी बॉयल होने के लिए रख दिया था, तो रात को ही बॉयल कर लिया था, तो अभी बस उसको तड़का लगा देंगे और रोटी बनाएंगे, तो हस्बैंड का लंच तैयार हो जाएगा, तो चलिए बनाते हैं। तो ये नेक्स्ट डे का ही व्लॉग है, 7 तारीख का। तो यहाँ पर मैं दाल मखनी बना रही हूँ, तो दाल मखनी में बटर लिया है थोड़ा सा, उसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, उसके बाद डाला है मैंने कश्मीरी चिल्ली पाउडर, और थोड़ा सा मैंने डाल दिया है टमाटर की प्यूरी। अच्छे से जब तक बटर अलग ना हो जाए तब तक मिलाना है। क्या हो गया? बताओ तो हुआ क्या? क्यों खुश हो? क्या कर रहे हो? बॉल खेल रहे हो? तो गाइस अभी बज रहे हैं
3:45 और मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कॉफ़ी पीने का और नींद भी बहुत गंदी आ रही है और मीशू बिल्कुल भी नहीं सो रही है कि आज तो सो गया लेकिन मीशू बिल्कुल नहीं सो रही है। तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी सी कॉफ़ी पी लेते हैं और कल रात से ही मेरा मन कर रहा है थोड़ा सा कॉफ़ी पीने का और रात को इसलिए नहीं पिया क्योंकि नींद नहीं आती मुझे थोड़ी सी नींद की प्रॉब्लम हो जाती है तो इसलिए नहीं पिया था और अभी बस मैं थोड़ा सा कॉफ़ी पीऊँगी और दिन में एक ही बार मैं चाय पीती हूँ। मैं पहले 2 बार पीती थी बट अब एक बार ही कर दिया क्योंकि नींद की प्रॉब्लम हो जाती है तो बस अभी थोड़ी सी कॉफ़ी मैंने बनाई है बस कॉफ़ी पीऊँगी उसके बाद फिर देखते क्या करते हैं बट मैं आपसे मिलती हूँ कॉफ़ी बन जाने के बाद। बिल्कुल भी नहीं सो रही है उठ के आ गई है। जब इसको लेटे हुए अकेले छोड़ दो तो ये दीवार में चिपक जाती है खिसक खिसक के। अब देख रही है मम्मा क्या बुराई कर रही हो मेरी बुराई क्यों कर रही हो। मीशू आपकी बात हो रही है बताओ आपकी बात हो रही है मीशू सबको हेलो कर दो। मीशू आहा टका आ गया हेलो कर दो सबको। एंड गाइस हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मीशू सो रही होती है तो रियांश उठा होता है और रियांश अगर सो रहा होता है तो मीशू उठी होती है कोई ना कोई एक तो उठाया होता है जिसकी वजह से बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता मतलब आराम करने का भी टाइम नहीं मिलता है। अब रियांश भी थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसको भी पूरा टाइम देना पड़ता है। मीशू भी थोड़ी सी बड़ी हो रही है तो इसकी शैतानियाँ बहुत बढ़ती जा रही है तो आपको तो व्लॉग में दिखता रहेगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। सब बोलते थोड़ी देर में मिलूँगी मम्मा कॉफ़ी बना रही है। बाय कर दो बाय 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 बाय। आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ देखिए मीशू ने क्या निशान बनाया अपने सर पे ये देखिए निशान नाखून के कौन देख रहा है आपको कौन देख रहा है बट्टा को मीशू आह। तो ये निशान जो भी है वो रात में ही बनाया है इसने मैं टकलू ने जब ये उठी हुई थी बिल्कुल भी नहीं सो रही थी तो फिर सुबह जब उठे तब पता चला ये निशान बनाया है आप देख सकते हो ये देखो तुमको देखना देखो सबको हेलो करते चलो मीशू। ये रही मेरी कॉफ़ी जो कि रेडी हो चुकी है। तो मेरी कॉफ़ी रेडी हो चुकी है मैं आप लोगों से इवनिंग टाइम में मिलूंगी कॉफ़ी पीने के बाद और रियांश भी जब तक उठ जाएगा तो बाय गाइस।